नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। अगर नाम बताऊं तो BSE, सुजलोन एनर्जी, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स एंड परसिस्टेंट सिस्टम। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के बारे में। 10% की तूफानी तेजी आते हुए देखिए आप सभी ने इस स्टॉक में आज के सेशन में, और इस तेजी के पीछे का एक ही बड़ा कारण है, वो भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। इस स्टॉक को मैंने जब न्यूज आई थी तभी कवर करा था, और उस समय स्टॉक का भाव 640 का था, 640 रुपए के समथिंग स्टॉक ट्रेड कर रहा था और 5.5% ऊपर था, और वहां से भी स्टॉक हाईस पे गया। इसके वॉल्यूम्स पे नजर डाली जरा, एनएससी की बात करें तो 1 करोड़ शेयर्स तो एनएससी पे ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में आज, और एवरेज वॉल्यूम 10 लाख शेयर्स के हैं। एवरेज वॉल्यूम्स के सामने 10 टाइम्स वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, और जब मैंने वीडियो बनाई थी तब 40 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे, तो वहां से भी एक बड़ा वॉल्यूम आपने आता हुआ देखा है इस स्टॉक में। इस कंपनी के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है क्या कामकाज है क्या कामकाज नहीं है, और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि मार्केट से जुड़े हुए ये शेयर्स हैं जो लाइफ टाइम के लिए होने चाहिए आपके पास। अगर ले रहे हो तो लाइफ टाइम सोच के लो, ये अगली जनरेशन। एक होता है शक होता है कंपनी पे, यार आगे कंपनी कैसा करेगी, लेकिन ये ऐसे स्टॉक हैं, शेयर बाजार जब तक चलेगा ये शेयर चलेंगे। एनएससी आपके सॉरी बीएससी आपके लिए हो गया उनमें से एक, CDSL हो गया उनमें से एक, कैम्स हो गया उनमें से एक, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टॉप लीडर आप चाहो तो HDFC AMC ले लीजिए, अदरवाइज कैम्स को हमने ले लिया जो मोनोपोली है। तो ये ऐसे स्टॉक है जो लाइफ टाइम मार्केट से रिलेटेड है, और जब तक बाजार रहेगा तब तक चलते ही रहेंगे, इनका कोई बाल आखा नहीं कर सकता। अब BSE की बात करें, आज भागा क्यों है शेयर, देखिए 6 जुलाई इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट है। 6 जुलाई को बोर्ड मीटिंग है कंपनी की, बायबैक पे विचार करने वाले हैं, बायबैक करने वाले हैं, यानी कि आप शॉर्ट में बोले तो। अब ये बायबैक क्या मतलब कि कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीदेगी। मैंने सुबह डाटा शेयर करा था, टोटल 1.5 करोड़ शेयर्स हैं इस स्टॉक के बाजार में, और कंपनी की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से तो उतना कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि प्रमोटर्स के पास कुछ भी नहीं है, सारा FIIDI और पब्लिक के पास ही है, तो पूरी की पूरी कहीं ना कहीं हम लोगों के पास ही स्टेक है इस स्टॉक में। लेकिन यहां से किसी के पास पोजीशन है तो क्या करें, देखिए बहुत बड़ी तेजी ऑलरेडी बन गई है एक खबर के चलते। 700 रुपए तक के टारगेट दिखते हैं, वो मैंने सुबह भी 640 पे था तब भी कहा था, अभी भी वही कहूंगा, बट उससे पहले एक आध डिप आ सकती है क्योंकि ये जो आज एक्सेप्शनल मूव आ गया है ना, ये प्रॉपर एक खबर के चलते इतना बड़ा कैच नहीं करना चाहिए था जितना बड़ा कैच कर गया ये शेयर, ठीक है। फिर भी अगर थोड़ी जगह छोड़ देता तो कल भी हो सकता था, अदरवाइज ये स्टॉक मुझे लगता है 700 पे जा सकता है डायरेक्टली, या फिर एक बार डिप देके, बट 700 तक जाने की उम्मीद आप कर सकते हैं। कंपनी की बायबैक की खबर से ही स्टॉक आज मूव देता हुआ दिखा है। एक और स्टॉक है CDSL, वो भी जब ये चलते हैं तो साथ ही साथ चलने लगते हैं ऑलमोस्ट पूरे मार्केट से रिलेटेड, तो CDSL में भी आज 3.71% की तेजी आई है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर CDSL की बात करें तो 6 महीने की गिरावट को पूरा कवर कर दिया है, 6 महीने पहले जहां पे था वहीं आ चुका है। एक साल की बात करूं तो स्टॉक में 1230 रुपीज के भाव से स्टॉक में गिरावट शुरू हुई थी, जो कि गिरते गिरते स्टॉक में 880 तक आया है स्टॉक, अभी दोबारा 1200 तक जाने की तैयारी कर रहा है, तो किसी के पास है बने रहे, 1200 रुपए तक जाएगा। हालांकि वैल्यूएशन वाइज कोई सस्ता नहीं है शेयर, 100 रुपीज की बुक वैल्यू के सामने 1200 पे आ जाएगा तो 12 टाइम पे ट्रेड करने लगेगा, तो महंगा तो डेफिनेटली है, बट इस स्टॉक का कोई मतलब मुकाबला भी तो नहीं है ना, ये एक तरीके से मार्केट से डायरेक्ट लिंक्ड है। और जब बाजार में तेजी होती है तो आपको भी पता है बहुत सारे डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं, अब डीमेट अकाउंट ओपन होंगे तो शेयर्स भी लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे तो फिर पोर्टफोलियो में जाएगा, तो वो CDSL ही हो रहा है। तो ये स्टॉक तो ऐसे हैं जो तूफानी तेजी वाले हैं, जब बाजार गिरेगा तो फिर लोग मार्केट छोड़ के जाते हैं, उस समय ये प्रेशर में आते हैं, तब आप लेने के मौके ढूंढो, लाइफ लॉन्ग इन्हें आप एक्यूमुलेट करते रहोगे, लाइफ लॉन्ग ये आपको पैसा बना के देते रहेंगे। अगली बात करें अगले स्टॉक की तो सुजलोन, ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, बस यही है कि भैया तूफानी तेजी चल रही है स्टॉक में, 10% का सर्किट लगा दिया आज तो और लॉक हो गया, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट सुबह के 10:30 के करीब सर्किट लग गया था, उसके बाद ओपन ही नहीं हुआ। 39 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही कहूंगा, अगर किसी पे 15 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है उस स्टॉप लॉस के साथ आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो और कैरी करने की राय होगी, फ्रेश एंट्री के लिए मैं इस स्टॉक को लेकर राय नहीं दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, इसमें बड़ी तेजी आप भी ने आते हुए देखी है आज के सेशन में, तो एक और स्टॉक है जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, वो है फैक्ट, 4% नीचे हो जाता है किसी दिन लेकिन बाकी 10-15% भागता ही रहता है, आज भी भागा है। अब बात करें अगर लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की तो ऑलरेडी मैं आपके साथ इसकी रिजल्ट डेट तो शेयर कर ही चुका हूं, स्टॉक की बात करें तो बेहतरीन मूव आया आज तो, और काफी शानदार तेजी है, 6.5% स्टॉक भागा है। 3 महीने का चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट अपने पूरे यूटर्न मार दिया स्टॉक ने, और स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी है बिल्कुल, बट काफी जिगजैग है,
स्टॉक में कोई ऐसा नहीं कहूंगा कि हाँ भाई खरीद लो या फिर बेच दो, ये लॉन्ग टर्म वाला खिलाड़ी है, रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना। शॉर्ट टर्म में एक रेंज है, उसी रेंज में प्ले हो रहा है, बट इस बार लगता है रेंज को ब्रेक करेगा और ऊपर में 400 रुपए तक जाना चाहिए शेयर। नेक्स्ट स्टॉक है आईटी, में आज गिरावट हुई थी तो परसिस्टेंट भी थोड़ा सा आज वीक हो गया है, लीड करता हुआ दिखाई गिरावट को 3% नीचे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये आज के कुछ स्टॉक थे जो आज फोकस में थे और मार्केट में बड़ा एक्शन दिखाते हुए दिखे। होप आपको पूरी वीडियो समझो पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।